G20 सम्मेलन से ठीक पहले बड़े भारतीय निवेशकों ने नाइजीरिया में लगभग 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नया निवेश करने की बात कही है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के साथ दिल्ली में नाइजीरिया इंडिया इकोनॉमिक राउंड टेबल के दौरान इस पर सहमति बनी। नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने भारतीय निवेशकों से बेहतर रिटर्न का वादा किया। नाइजीरिया सरकार की तरफ से जारी एक रिलीज के मुताबिक इंडोरामा पेट्रोकेमिकल लिमिटेड नाइजीरिया में उर्वरक उत्पादन और पेट्रोकेमिकल बिजनेस के विस्तार पर 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नया निवेश करने जा रहा है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने 3 अरब डॉलर का नया निवेश करने का वादा किया है। स्किपर सेल लिमिटेड ने नाइजीरिया में 2100 मेगावाट के बिजली उत्पादन फैसिलिटी सेटअप करने पर 1.6 बिलियन डॉलर और भारतीय इंटरप्राइजेज ने भी नाइजीरिया में 700 मिलियन डॉलर के नए निवेश का फैसला किया है। दरअसल भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान काफी ज्यादा फोकस अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने पर रहा है, जिसके अब अच्छे नतीजे आने लगे हैं। फोकस विदेशी निवेश के साथ साथ डिजिटल इकोनॉमी के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी है। UPI के कॉन्टेक्स्ट में अगस्त महीने में 10 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए और इस पर भी ग्लोबल स्पॉटलाइट रहा है। बहुत सारे देशों ने कहा हम आपका UPI सिस्टम समझना चाहते हैं, आपसे मदद चाहिए। कितने देशों के साथ अभी तक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में भारत ने अपने जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको शेयर करने का फैसला किया है? भारत के DPI उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर किया है हर देश को, और 8 ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत के साथ MOU अभी साइन कर लिए हैं, और मेरे हिसाब से 20-25-30 और नेशन ऐसे हैं जो करना चाहते हैं, और हम एक स्टडी स्टेप से करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि इस G20 प्रेसिडेंसी के दौरान, भारत के इस प्रेसिडेंसी के दौरान, इस DPI पर जो भारत ने 9 साल 8 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण बनाया है, उस DPI के प्रक्रिया, उस DPI के ताकत, उस DPI के ट्रांसफॉर्मेशनल बेनिफिट्स को पूरे दुनिया के देश आज मान रहे हैं, और एक तरह से उस पे उसके फ्रेमवर्क पर, उसके प्रिंसिपल्स पर, कंसेंसस पर है। अब सबकी निगाहें G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स के सम्मेलन पर है, जो इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने के लिए एक नया रोड मैप पेश करेगा। दिल्ली से आजम सिद्दीकी के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।